हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 जॉब वैकेंसीज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड कोस्ट अकाउंटेंट इन 2020। सो सबसे हाईएस्ट रेटेड जॉब जो अभी इंडिया में है और जिसका फॉर्म अभी भी खुला हुआ है, जो आप भर सकते हैं, वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। यस, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए, जनरल लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम्स। यस दोस्तों, पहले इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थी अप्रैल 30 और अब ये बढ़ा के कर दी गई है मई 31। सो अभी भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छा चांस है इसको भरने का। और ग्रेड ए पोस्ट है और सेबी की ये पोस्ट है, तो वैसे आप इसका अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपके लिए, या फिर नॉर्मल नज़रिए से देखा जाए तो। सो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जनरली बता रहा हूँ। 32 वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए, 22 OBC के लिए, 12 SC के लिए, ST के लिए, 8 EWS के लिए, और क्या ओवरऑल 80 वैकेंसीज है, जिनमें से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है जनरल स्ट्रीम का, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और जो मेन इसमें है वो है CA, CFA, CS एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। यस दोस्तों, आपने सही पढ़ा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CFA, CS एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। यस, तो ये उसकी है। 1000 रुपये फॉर्म की फीस है अनरिजर्व एंड OBC के लिए, अनरिजर्व OBC एंड EWS के लिए 1000 रुपीज़ फॉर्म की फीस है एप्लीकेशन फ़ीस, और जो SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है। दोस्तों काफ़ी अच्छी जॉब है, और इसमें प्री होगा, मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। प्री 200 मार्क्स का होगा, मेंस 200 मार्क्स का होगा, एंड इंटरव्यू 15% ऑफ वेटेज कवर करेगा। दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ ये है CA, CS और CMA वालों के लिए, कि इसमें जो प्री और मेन में जो पेपर होगा उसमें 50% जो पेपर होगा 100 मार्क्स का, प्री में 100 मार्क्स का एंड मेंस में 100 मार्क्स का, वो कॉमर्स बेस पे होगा, यानी कोस्ट अकाउंटेंसी, फिनेंशियल एंड जनरल जो कॉमर्स की जो चीज़ें हैं, जिसमें CA, CS और CMA वाले जो प्रो हो जाते हैं, उस टाइप का ये पेपर होगा। तो दोस्तों ये थी पहली वैकेंसी जिसको आप भर सकते हैं। 80 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसीज है, आपके पास अच्छा मौका है इसको भरने का, अभी भी खुली हुई है। दोस्तों दूसरी जो वैकेंसी है वो है UPSC की तरफ से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर के लिए, एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। दोस्तों थोड़ा बताने में मैं लेट हूँ, बट इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी ही थी, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट हाई रेटेड वैकेंसीज है जो 2020 की वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड वैकेंसी। अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही चीप ये फॉर्म था, 25 रुपये का ये फॉर्म था, लेकिन ये UPSC कंडक्ट करा रहा है। इसमें UPSC के एस्पिरेंट्स भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, जो IAS का एग्ज़ाम कम्पीट कर रहे हैं इंडिया लेवल पे, एंड ये बहुत अच्छी वैकेंसी है एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ जो थी वो ये थी कि इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल बी प्रिफर्ड अगेन। यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रिफरेशन दी जाती है इसमें। दोस्तों देखिए, इसमें 31 जनवरी 2020 इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की, जो हमसे निकल चुकी है तो कोई बात नहीं, और जिसने भर दिया है वो तैयारी करें और उसको रखें। बस जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वाली मैंने पोस्ट आपको बताई है, क्योंकि बहुत हाई रेटेड पोस्ट थी। नई दिल्ली में इसका रिक्रूटमेंट होगा, 2 ईयर का प्रोविजनल पीरियड होगा, एंड सैलरी काफ़ी अच्छी है, 2 घंटे का पेपर होगा, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, EPFO के एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सो मैं जो लास्ट वैकेंसी, जो आपकी थर्ड वैकेंसी है, जो बहुत हाई रेटेड वैकेंसी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट वाले लोगों के लिए, वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, एंड उसकी अभी डेट्स बाकी है, अगर आप चाहो तो भर सकते हो। यस दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, इसकी अभी वैकेंसी निकली हुई है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी आ रखी है, जिसमें बहुत अच्छी सैलरी है, एंड इट इज स्पेसिफिकली फॉर यू गाइस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और ICWA, मास्टर इन फिनेंशियल कंट्रोल, MBA और इक्विवेलेंट फॉर्म। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे कंपटीशन ऑलरेडी लो हो जाता है, और इसकी लास्ट डेट ऑलमोस्ट आने वाली है, जल्दी जाइएगा भरिएगा। 11 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए है, 11 वैकेंसी है, 5 अनरिजर्व्ड के लिए, 4 OBC के लिए, 1 SC ST वालों के लिए है।
सो गाइस ये था DDA का, अच्छी पोस्ट है, बहुत काफ़ी अच्छी सैलरी है, DDA के नाम से ही आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। दोस्तों 15th मई इसकी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट है और पेमेंट ऑफ फीस आप 20 मई तक कर सकते हो, यानी यस अभी आपके पास है कुछ टाइम है, अगर आप चाहो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस फॉर्म को भरने के लिए, बिकॉज ये पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड आप ही लोगों के लिए, ये जो वैकेंसी निकली है वो केवल आप ही लोगों के लिए निकली है दोस्तों। एंड जाओ इस एप्लीकेशन को भरो, सेबी का फॉर्म भरो और यूपीएससी ईपीएफओ को भर दिया तो वो भी बहुत काफ़ी अच्छा है दोस्तों। एंड दिस इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इनमें से कहीं भी आपकी जॉब लग गई तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी, आपके दोस्तों की ज़िंदगी संवर जाएगी। सो उनको भी बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपके CA CMA CS कैंडिडेट्स और जहाँ तक आप पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचाइए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी दोस्तों तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको वैसी ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में बताता रहूँगा टाइम टू टाइम और अपडेट करता रहूँगा। सो ऑल द कैंडिडेट्स, thank you so much for watching this video. Bye-bye.